विशेष शरणागति का भाव था, तो उसमें उन्होंने कुछ संस्कृत के शब्द जो बोले हैं उनको हिंदी में मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। तो भगवान के प्रति उनकी कैसी शरणागति थी, हे पूर्ण काम सत्य संकल्प पर ब्रह्म स्वरूप पुरुषोत्तम, हे महान ऐश्वर्य से युक्त श्रीमन नारायण, हे वैकुंठ नाथ आप अपार करुणा वत्सलता उदारता और सौंदर्य आदि गुणों के महासागर हैं, छोटे बड़े का विचार ना करके सभी लोगों को आप शरण देते हैं, प्रणत जनों की पीड़ा हर लेते हैं, शरणागतों के लिए तो आप वत्सलता के समुद्र हैं, आप सदा ही समस्त प्राणियों की यथार्थता का ज्ञान रखते हैं, संपूर्ण चराचर और सारे नियमों और समस्त जड़ चेतन के आप जानकार हैं, आप समस्त संसार के आधार हैं, अखिल जगत और हम सभी लोगों के स्वामी हैं, आपकी कामनाएं पूर्ण और आपका संकल्प सच्चा है, आप समस्त प्रपंच से परे विलक्षण हैं, याचकों के लिए तो आप कल्प वृक्ष हैं, विपत्ति में पड़े हुए लोगों के सहायक हैं, ऐसी महिमा वाले तथा आश्रयहीनों को आश्रय देने वाले हे श्रीमन नारायण, मैं आपके चरण कमल की शरण में आया हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे लिए कहीं भी शरण नहीं है। हे प्रभु, मैं पिता माता स्त्री पुत्र बंधु मित्र गुरु धन धान्य खेत घर सारे धर्म और संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर समस्त ब्रह्मांड को आक्रांत करने वाले आपके दोनों चरणों की शरण में आया हूँ। हे भगवान, मन वाणी और शरीर के द्वारा अनादिकाल से अनेकों ना करने योग्य कर्मों को करना, करने योग्य कर्मों को ना करना भगवान का अपराध, भगवत भक्तों का अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचार रूप नाना प्रकार के अनंत अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापों को तथा जिन्हें मैं कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें भी करने वाला हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिए। आत्मा और संसार के विषय में जो मुझे अनादिकाल से विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयों में जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने वाला है, वो सब का सब आप क्षमा कर दें। मेरे अनादि कर्मों के प्रवाह में जो चली आ रही है, जो मुझसे भगवान के स्वरूप को छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञान उत्पन्न करती है, अपने विषय में भोग बुद्धि को उत्पन्न करने वाली है, और आपकी जो माया है, मैं उसका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तो मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, इस प्रकार रट लगाने वाले मुझ दीन का आप उद्धार कर दीजिए। तो ये शब्द हैं रामानुजाचार्य के प्रपत्ति। तो उनकी जो विशेषता है शरणागति की, तो ये जो है रामानुजाचार्य का ही भाव। हरे कृष्ण। श्रीपाद।